आप लोगों के सवाल का सिलसिला जारी रहना चाहिए और हमें कॉलें आ रही हैं, हम रिसीव करते हैं अपनी पहली कॉल साहब की इजाजत से। ओके हेलो जी, कौन साहब बोल रहे हैं, कहां से? जी पूछिए। अब मुझे समझ गया है, आपको कौन सी एड्रेस प्रूफ के लिए लगाना है वो जानना चाहते हैं। अभी मैं सब दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जो आवासीय पता के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगा सकता है, उसमें है कि जो भी एप्लीकेंट का रेशन कार्ड हो, जो भी इलेक्शन कमीशन का वोटर आईडी कार्ड हो, और पानी टेलीफोन बिजली का पिछले एक साल का बिल हो, और चालू बैंक खाते की एक साल का स्टेटमेंट हो, और उसके अलावा पति पत्नी का पासपोर्ट का छायापत्री हो, अगर माइनर चिल्ड्रन हो उसके लिए पेरेंट्स का पासपोर्ट का कॉपी या पेरेंट्स का जो भी मैंने पहले एड्रेस पर बताया था वो, ड्राइविंग लाइसेंस, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो हम लोग एड्रेस प्रूफ के तहत एक्सेप्ट करते हैं। तो इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको लगा के पासपोर्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं। जी उम्मीद के आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और कॉल लेते हैं सर। हेलो जी, कौन साहब बोल रहे हैं, कहां से? वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, वालेकुम सलाम, साहब से सवाल पूछेंगे आप? हाँ बोले। ओके, नहीं अभी पासपोर्ट जो है ना सिर्फ पासपोर्ट सेवा केंद्र में अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम लोग ई सेवा सेंटर्स में और एसपी ऑफिसर्स में लेते थे, अभी उस सिस्टम को बंद कर दिया है। सिर्फ जो भी पासपोर्ट आवेदन करना चाहते हैं वो जो भी नजदीक पासपोर्ट सेवा केंद्र में कर सकते हैं। जैसे हाँ ओके ओके, नहीं नहीं फिर आपका वाइफ का भी आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, और आपका पासपोर्ट में आपका वाइफ का नाम भी इंक्लूड कर सकता है, जैसे आपके पास मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो लगा के कर सकते हैं आप। और वाइफ का एड्रेस प्रूफ के लिए आपका पासपोर्ट डॉक्यूमेंट या आपका एड्रेस प्रूफ भी वाइफ के लिए हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, एक आई डी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ और एक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, बस तीन डॉक्यूमेंट चाहिए। हाँ बस हाँ, तीन डॉक्यूमेंट चाहिए बस। सेम होगा तो कुछ किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं, सिर्फ आपका पासपोर्ट का फोटोकॉपी, और अभी आपका शादी हो गया तो अभी मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दोनों लगा के आप सबमिट कर सकते हैं। ओके वेलकम। हेलो जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? बंडलागुड़ा जी, पूछिए आपका सवाल साहब से। पूछिए साहब से सवाल पूछिए। सर मेरी एंटी का पासपोर्ट बनाना है। ओके पूछिए, मैं सुन रहा हूँ आपका सवाल। ओके ओके पूछिए। सर उनके पास नई डेथ सर्टिफिकेट है हमारे अंकल का। हाँ हाँ नहीं, अगर हस्बैंड का नाम पासपोर्ट में इंक्लूड करना है तो उनको डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी जरूरी है। अगर इंक्लूड नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर? नहीं, अगर वैसे अगर शादी होने के बाद, जैसे विडोअर है वो आपकी आंटी,
तो हस्बैंड की नाम इंक्लूड करना ही बेहतर है। तो जैसे कुछ सिस्टम होगा गवर्नमेंट में, म्यूनसिपैलिटी में जाके जो डेथ सर्टिफिकेट पुराना का रजिस्टर कर सकते हैं, तो उसके साथ आप डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। ओके ओके जी। हेलो जी, आपके सवाल का जवाब मिल गया आपको, थैंक यू फॉर कॉलिंग। दूसरा कॉल लेते हैं जी। मैं दूसरा कॉल लेने से पहले हमारे दर्शकों को फिर ये गुजारिश करना चाहता हूं कि वो लोग हमसे सवाल करते वक्त अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लें। तो लेते हैं दूसरा कॉल आपकी इजाजत से सर। ओके ठीक। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम, पूछिए सवाल। हाँ जी, मेरा सवाल है कि अपने बच्चों का सर बनाने का पासपोर्ट। ओके, तो उन लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट में स्पेलिंग मिस्टेक है। कौन सी सर्टिफिकेट में? बर्थ सर्टिफिकेट में मदर का नाम है, मेरे स्पेलिंग मिस्टेक है बच्चे के। ओके, उसके लिए अपन क्या करना पड़ेगा? नहीं, अगर बर्थ सर्टिफिकेट पे कोई मिस्टेक होगा तो आप कहीं मी सेवा सेंटर में जाके आपको फिर से जो भी सही नाम है उसके साथ एक नया बर्थ सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। वो लेने के बाद फिर से मी सेवा सेंटर में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी जैसे जो नाबालिगा है उनके लिए अभी जो बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, उसके अलावा और एक एड्रेस प्रूफ है, जो पेरेंट्स का पता का प्रूफ होगा ना, वो कॉपी एक लगाना है। उसके अलावा एक डिक्लेरेशन होता है जो माँ बाप को देना पड़ेगा, एक अनएक्सर एच फॉर्मेट में रहते हैं, वो डिक्लेरेशन देना है। ये तीन डॉक्यूमेंट के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके वेलकम, शुक्रिया आपके कॉल करने का। एक कॉल और लेते हैं सर। ओके हेलो, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? हेलो सलाम अलैकुम। सलाम वालेकुम सलाम, बोलिए। कॉल ड्रॉप हो गई। एक कॉल और लेते हैं सर, वो कॉल तो ड्रॉप हो गई। ओके हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? जी पूछिए आपका सवाल। ओके हाँ, नहीं, पहले भी मैंने एक सवाल आंसर किया था इस पे कि ये जो 1989 के बाद पैदा हुआ ना, उस बच्चे को आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है पासपोर्ट एप्लीकेशन के साथ। नहीं, इसीलिए बोल रहे हैं ना, अभी गवर्नमेंट में कहीं रेवेन्यू ऑफिशियल के पास जाके मंडल ऑफिस या ये जो आरडीओ होता है ना, नहीं आरडीओ ऑफिस में या मंडल ऑफिस में जाके पेनल्टी भर के कुछ प्रोसीडिंग्स होता है, रेवेन्यू प्रोसीडिंग्स, उसके तहत आपका बच्चे का डेट ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन करेगा वो लोग। नहीं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आता है जो जैसे मैंने बोला था रेवेन्यू डिपार्टमेंट का प्रोसीडिंग्स लेके वो फिर से जैसे म्यूनसिपैलिटी में जाके अपना बर्थ रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, वो लोग फिर नया बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं, उसके बेसिस पे वो लोग पासपोर्ट अप्लाई करते हैं। तो आप भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से प्रोसीडिंग्स करवा के अपना बेटे का बर्थ रजिस्ट्रेशन करवाइए। नहीं, वो आप जब प्रोसीजर जो है ना, आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट वालों से पूछ लीजिए वो प्रोसीडिंग्स के बारे में, तो वो आपको ये सर्टिफिकेट मिलने में हेल्प करेगा। खुदा हाफिज, शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।